देखिए ये हमने भूज की है, अब इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे। तो ये देखिए अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया, तब हम हाथ में थोड़ा सा तेल रिफाइंड लगा के हाथ को चिकना कर लेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं आपकी दोस्त शशि मोहम्मद में प्रयागराज से स्वागत करती हूँ। तो आज सिर्फ और सिर्फ छोटा सा वीडियो है। देखिए हमने ये साबूदाना भिगो के शाम को रख दिया था, तो ये अब सॉफ्ट हो गए हैं और यहाँ आलू उबाल के रखा था। तो आज हम आलू साबूदाने का टिक्की बनाएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहिएगा। ये उबले आलू हैं, तो ये छोटे छोटे थे, तो ये हुआ कि इसको उबाल के हम लोग यूज कर लें और इसको ऐसे मैश कर लीजिए। आप मैशर से भी मैश कर सकती हैं। हाथ से मैश करने का बस यही एक रीज़न है कि एकदम इसमें जो बड़े बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे, और ये रात का आलू था उबाले थे, जिसकी वजह से ये मतलब अभी अच्छे से थोड़ा टाइट हो गए हैं फ्रिज में रखे रखे, तो इसको हम लोग जल्दी से मैश कर लेते हैं। ये देखिए आलू हमने मैश कर लिया, अब इसमें हम ये जो साबूदाना है इसको मिक्स कर देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको मिक्स कर दिया है। अब इसमें हम थोड़ा सा जीरा डाल देंगे स्वाद अनुसार, नमक, आप हरी मिर्ची भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर हम पिसी हुई मिर्च डालेंगे क्योंकि बच्चे के लिए लंच बनना है, और थोड़ा सा चाट मसाला। अब इसे हम डाल के अच्छे से मैश कर लेंगे। ये देखिए हमको इसको हाथ से अच्छे से मिक्स कर लेंगे कि नमक मसाले हर जगह इसमें मिल जाएं। तो ये देखिए अभी ये अच्छे से मिक्स हो गया, तब हम हाथ में थोड़ा सा तेल रिफाइंड लगा के हाथ को चिकना कर लेंगे। देखिए छोटी छोटी टिक्कियाँ बनाएंगे, साइज आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, मोटा पतला भी आप अपने हिसाब से रख सकते हैं। ये देखिए हमने तवा चढ़ा दिया है, हमें थोड़ा सा हम रिफाइन डालेंगे और उससे पहले हम थोड़ा सा मखाना काजू बादाम इसे भून लेंगे। तो हमें अपने बेटू के लंच में आज हम डाल इनको देंगे ये स्नैक्स और साबूदाने की टिक्की। तो आज फ्राइडे है तो जल्दी छुट्टी होती है हाफ डे, तो इस वजह से इनको फास्ट फूड हुआ या कुछ ऐसे जो उनके पसंद के स्नैक्स होते हैं ये सब दे देते हैं। तो इनको सब्जी पराठा सब्जी पूरी ये सब ले जाने के लिए ये राजी नहीं होते हैं। ये देखिए हम इसको भूज लेते हैं अच्छे से, इसको मखाना जब टूटने लगेगा अच्छे से तब तक हम इसको भूजेंगे। ये देखिए हमने टिक्कियाँ बना के रख ली हैं, अभी और आलू का पेस्ट बचा हुआ है, तो जब जिसको जैसा खाना होगा तो उस हिसाब से हम बनाएंगे गरम गरम। तो ये सिर्फ लंच के लिए बन रहा है बेटू के, तो इसने हमने बना लिया है, अब इसको हम सेलो फ्राई करेंगे जी तांग पे। ये देखिए अब ये रोस्ट हो चुके हैं, हम आपको दिखाते हैं कि मखाना कैसे छूट रहा है। देखिए ठंडा होने पे ये और अच्छे से छूटेगा, तब इसको हम तवे से निकाल लेंगे। देखिए तवा हमने खाली कर लिया, इसमें हल्का सा रिफाइंड लगा देंगे, आप देसी घी भी लगा सकते हो, तेल जो आपको पसंद हो। और इसी पे टिक्कियाँ रख देंगे धीमी आंच।
और उनके ऊपर थोड़ा सा अरिकान लगा देंगे और उनके बीच में डाल देंगे रिफाइंड, ये अच्छे से भून जाएंगे। इन्हें हम तब पलटेंगे तब ये दूसरी तरफ से लाल हो जाएगी, फिर इनको पलटेंगे कि इस साइड से भी वो लाल हो जाए, तो इसे थोड़ा सा टाइम लगेगा और धीमी आँच पे पकाएंगे इसे। देखिए ये हमने भून लिया है, इसमें हम थोड़ा सा चाट मसाला मिलाएंगे। ये स्नैक्स हो गया रेडी डन। ये देखिए हमने ये वाला पलटा है, पर अभी ये अच्छे से लाल नहीं हुए, तो चलो हम लोग थोड़ी देर और वेट करेंगे इनके लाल होने का। फ्रेंड्स आप लोग इस टिक्की को डीप फ्राई भी कर सकते हैं, पर वो ज़्यादा ऑयली हो जाएगा तो बच्चे को नहीं पसंद आएगा, तो इस वजह से हमने इसे सेलो फ्राई किया है। तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ये बहुत खाने में क्रिस्पी रहती है, अच्छी लगती है खाने में और थोड़ी सी चीज़ों में अच्छे से बन जाती है कम टाइम में। तो कभी फटाफट आपको नाश्ता बनाना हो या आपके घर में कोई मेहमान आ रहे हो तो आप इसे जल्दी से बना सकती हैं। तो इसको हम लोग तो ये देखिए हल्की हल्की लाल होने लगी है, हम ऐसे सबको बारी बारी पलट लेंगे जिससे दोनों तरफ से अच्छे से लाल हो जाए। ये देखिए अब इनको अब पलटेंगे, देखिए अभी हल्की ब्राउन हुई है, अभी और थोड़ी सी क्रिस्प होगी। तो इसे आप मध्यम आंच में पकाएं।